नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी को जैसा कि मालूम है, हमारी चर्चा भारत की संवैधानिक व्यवस्था को लेकर चल रही थी और हमने उसके बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा कंप्लीट भी कर ली थी। हमारी चर्चा लोकसभा एवं राज्यसभा के विभिन्न प्रश्नों को लेकर हो रही थी और हमने उसकी चर्चा काफ़ी हद तक कंप्लीट भी कर ली थी। उसी की चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसके संबंध में और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जो हमारी चर्चा पहले होती है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्वपूर्ण निर्णय जो इसके पहले हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। तो आज जिस निर्णय की बात होने वाली है वो है मेनका गांधी वाद 1978। मेनका गांधी वाद 1978। देखिए, इस जो ये जो केस था वो ऐसा था कि मेनका गांधी जो हमारी अभी वर्तमान में मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा और 2019 तक ये वुमेन्स एवं चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग की अध्यक्ष भी थी, मतलब वो मंत्रालय इनके अधीन ही था। तो आप समझिए कि एक बार जा रही थी विदेश जा रही थी, तो 1978 का ही टाइम है, उस टाइम पे विदेश जा रही थी। तो विदेश जाने के दम इनका पासपोर्ट वगैरह चेक होता है, उनको रोक लिया जाता है, विदेश जाने के अधिकार को रोक लिया जाता है। तो अब इसके संबंध में कहाँ चली जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में ये कहता है कि विदेश जाने का अधिकार भी क्या है, आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का भाग है, जीवन जीने के अधिकार का भाग है। और ये जो अधिकार का भाग होने वाला है उसके अंतर्गत कौन शामिल हो गया, विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने के अधिकार को किसके तहत शामिल कर लिया गया, आर्टिकल 21 के तहत। साथ ही ये कहा गया कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हम सुनते आ रहे थे, जो हमने जापान से लिया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ हम ये देखेंगे कि विधि की न्यायोचित प्रक्रिया है कि नहीं, विधि की न्यायोचित प्रक्रिया के बारे में भी हम जांच करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेनका गांधी वाद जो था वो कौन से अनुच्छेद संबंधित था, तो हमारा अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 जो वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 21, तो तीन अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, 14, 19 और 21। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कौन से अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, तो 21 में से जुड़ा हुआ है। यही बात हो गई हमारी मेनका गांधी वाद को लेके। तो ये हमारा जो पहला सेगमेंट होता है कि सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अगले पोर्शन पे चलते हैं और हमारे प्रश्न उत्तर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हमारे ऑप्शन है BR झाकड़, जिनको बलराम जाखड़ भी कहा जाता है, GV मावलंकर, C हुकुम सिंह या D KS हेगड़े। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका GV मावलंकर। 1954 का समय होता है। देखिए, GV मावलंकर 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बात है 1954 की, 1954 में इनके खिलाफ क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव या संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है, किसके माध्यम से, KM मुंशी के माध्यम से इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है और ये अपने अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था किसके समक्ष पहली बार लाया गया था, तो GV मावलंकर के खिलाफ। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, हमारे ऑप्शन है, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, बी सदस्यों को शपथ दिलाना, या सी स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, या डी केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है। कैसा पद होता है, अस्थायी पद होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति इसकी क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। अब यह चुना हुआ व्यक्ति क्या करेगा, जो नई लोकसभा चुन के आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल नई लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल तक बना रहता है, लेकिन वो अध्यक्षता भी कर नहीं रहा होता है, वो जब मंत्रिपरिषद का विघटन होता है तभी बाहर हो जाता है। तो अब नई लोकसभा चुन के आई है तो उन्हीं सदस्यों के बीच से एक सबसे वरिष्ठ आदमी को क्या कर लिया जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा अल्प समय के लिए, और यही सदस्य जो है क्या कराएगा, सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करेगा, और शपथ दिलाने के साथ साथ ये भी तय करेगा कि वो अपने बीच से एक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाएं। ये काम कौन करवाता है, प्रोटेम स्पीकर। दो काम होते हैं इनके, पहला ये कि सदस्यों का शपथ दिलवाना और दूसरा उनके बीच से एक लोकसभा अध्यक्ष का चयन करवाना। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। हमारे ऑप्शन है पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, बी पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या सी नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, या डी पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। तो अभी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश का जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया था, दीपक सक्सेना के। इसी प्रकार जो हमारा 2018 के चुनाव की बात हो रही थी, जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें किसको चुना गया था, जो हमारे टीकमगढ़ के लोकसभा सांसद थे, सबसे वरिष्ठ सांसद, आपको नाम बताना है वो कौन थे, उनको चुना गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। हमारे ऑप्शन है वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, या डी जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तब उस स्थिति में वोट कौन डालेगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी। इसका जिक्र कहाँ मिलता है, आपके अनुच्छेद 100 में मिलता है। अब अनुच्छेद 100 में एक्चुअल में लोकसभा पूरी संसद के वोटिंग प्रणाली का जिक्र मिलता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, उनके सदस्यों के द्वारा मत प्रणाली किस प्रकार प्रयोग की जाएगी, मत विधेयक के संबंध में पूरे प्रावधान अनुच्छेद 100 में मिलते हैं। अब 100 में ही लिखा गया है कि यदि बराबर वोट बराबर की स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष है तो वो क्या करेगा, वोट देगा, नॉर्मली वोट नहीं देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, सदन के दो तिहाई बहुमत से, सी राष्ट्रपति के आदेश से, या डी संसद के सामान्य बहुमत से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। अब देखिए लोकसभा के सदस्यों को हटाना है तो पूरे सदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम राज्यसभा की मदद नहीं लेंगे, किसके मदद लेंगे, लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष है तो लोकसभा का सदस्य भी है वो, तो उसे हटाने के लिए वहीं से चुन के भी गया है तो उसको हटाने के लिए वहीं के सदस्य पर्याप्त होते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, हमारी लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऑप्शन बी यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, या सी यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, या डी यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ये बात लिखी गई है, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बल्कि वो पद धारण करता है लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पे लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही निकल के, और 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल वैलिड होता है। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। और ये भी बिल्कुल बात गलत है कि वो ऐसे व्यक्ति को किसी को चुना जाएगा जो किसी लोकसभा का सदस्य नहीं है, जो चयनित है, जो चुना हुआ व्यक्ति आया है उन्हीं में से एक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, तो ये बात भी गलत हो जाती है। भंग करने से संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का कोई योगदान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी आपका बना रहेगा, मतलब ये बगत भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा कि इसे त्याग पत्र अपना किसको देना पड़ेगा, उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति,
ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी स्पीकर, या ई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो देखिए राष्ट्रपति शपथ लेता है किसकी उपस्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की उपस्थिति में। उपराष्ट्रपति भी शपथ लेता है किसकी उपस्थिति में, राष्ट्रपति की उपस्थिति में। सी प्रधानमंत्री भी शपथ लेता है किसकी उपस्थिति में, राष्ट्रपति की उपस्थिति में, या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में। स्पीकर अगर बात करें तो लोकसभा स्पीकर के संबंध में ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान देखने को नहीं मिलता है, बल्कि लोकसभा के सदस्य के रूप में वो जरूर शपथ लेता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से, और वो व्यक्ति कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर के अधीन शपथ लेता है कौन, स्पीकर। तो ये बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर गलत हो जाएगी। और अगर ई की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेते हैं, आपकी शपथ लेते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। हमारे ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री को, बी भारत के राष्ट्रपति को, सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या डी भारत के उपराष्ट्रपति को। जो अभी चर्चा हमने पिछले प्रश्न में की है वही है कि अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष इसको फिर कहाँ पर रखवाएगा, आपके संसद के पटल पर रखवाएगा, और उसके उपरांत उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य का संचालन करेगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन को कैसे हटाया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, या बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के पारित संकल्प द्वारा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई संकल्प लाया जाता है तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, किसे, लोकसभा अध्यक्ष को। अब यह सूचना मिलने के उपरांत क्या करेगा कि इसी कार्यवाही शुरू होगी, कहां पर, लोकसभा में। और लोकसभा में यदि यह दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो इस पर वोटिंग होगी, वोटिंग। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति आ रही है कि पारित हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, लेकिन उस टाइम पे लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष पद पर आसीन नहीं होगा, मतलब वोटिंग के दौरान या लोकसभा में जब ये संकल्प पारित हो रहा होता है तो ये पीठासीन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, पीठासीन नहीं होगा, लेकिन वोटिंग जरूर करेगा, वोटिंग करेगा। लेकिन अगर वोट बराबर की स्थिति आ जाए, वोट बराबरी की स्थिति आ जाएगा तो फिर वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग तो जरूर करेगा, वोटिंग करेगा लेकिन बराबर की स्थिति पे नहीं। मान लीजिए 50-50 वोट मिले हैं पक्ष और विपक्ष में, इस स्थिति में वोट नहीं डाल सकता कौन, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे है कि 45-55 इस प्रकार की वोटिंग मिली है, असमान वोट मिले हैं, तो उस टाइम पे वोटिंग डाली जा सकती है पक्ष विपक्ष को लेकर के। तो ऐसा काम किसको सौंपा गया है, लोकसभा अध्यक्ष को। हालांकि ये राज्यसभा के सभापति में देखने को नहीं मिलती है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संकल्प पारित हो रहा है ना तो वहाँ पर यह चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष, हमारे ऑप्शन है मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन बी चयनित किया जाता है, ऑप्शन सी निर्वाचित किया जाता है, या ऑप्शन डी नियुक्त किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चयनित किया जाता है, कैसे, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, एकल संक्रमणीय मत से, कहां से, लोकसभा से, लोकसभा से क्या करेगा, चुनकर आएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमारे लोकसभा है उसके चुनाव का वर्ष दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं। 11वीं लोकसभा 1996, 7वीं 1982, 13वीं 1999, या 9वीं 1989। तो देखिए 11वीं बिल्कुल सही है कि 11वीं 1996 की बात हो रही है, उसके बारे में अभी हमने बताया था कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पी ए संगमा ने की थी।
तेरहवीं जो है 1999 में इसी टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रधानमंत्री बनते हैं और इस टाइम पे जो बाल योगी थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, जी एस बाल योगी, और उनके पद पर रहते ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो तेरहवीं, ग्यारहवीं और तेरहवीं, ये बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नवीं की अगर बात करें तो 1989 में आई थी, ये भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, जिसमें वीपी सिंह की सरकार बनती है, इसी टाइम पे वीपी सिंह की सरकार बनती है। और अगर सातवीं की बात करें तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये जो कार्यकाल था वो था 1980 से 84 तक का समय था जो सातवीं विधानसभा से, सातवीं लोकसभा से संबंधित था। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी मैच नहीं करता है। अगले प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता कौन होता है, सामान्यतः लोकसभा का नेता कौन होता है। हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अध्यक्ष, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सामान्यतः अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री लोकसभा में चुनकर आया हुआ व्यक्ति होता है सामान्य रूप से, तो वो सदन का नेता भी होता है, तो लोकसभा का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। लेकिन मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री कहाँ से चुन के आ रहा है, राज्यसभा से, जैसे इंदिरा गांधी चुन के आए थे, जैसे मनमोहन सिंह चुन के आए थे, और जैसे एच डी देवगौड़ा चुन के आए थे, वो कहाँ से चुन के आए थे, आपके राज्यसभा से चुन के आए थे। तो ऐसे व्यक्ति क्या नहीं हो सकते हैं, सदन के नेता नहीं हो सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो उस टाइम पे राज्यसभा के नेता होंगे। तो अब ऐसे व्यक्ति को कैसे चुन लिया जाएगा, जब प्रधानमंत्री किसी सदस्य को जो मंत्री पद पे है उसको नेता निर्धारित कर दे, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, नेता होगा। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या होने वाला है, हमारा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन, हमारे जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं, लोकसभा अथवा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान में कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। नंबर दो, भारत के संविधान में अधिकृत उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो देखिए, ये बात सही नहीं लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है, जिसमें अर्थात जो आगे वही जीता। तो हमारे यहाँ कोई भी अनुपातिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के लिए। तो ऐसे उम्मीदवार क्या होते हैं, 50% से कम भी वोट पाते हैं तब भी जीत जाते हैं, वो अपने बीच के सदस्यों में सबसे ज़्यादा वोट पाए हुए होते हैं, इसलिए तो ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। फिर अगर भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद बहुमत दल के नेता को जाएगा, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये जिक्र जरूर मिलता है आपके संवैधानिक नियमों के, जो अभी वर्तमान में देखने को आ रहा है कि जो अध्यक्ष होता है वो नॉर्मली सत्ता दल से चुन के आता है और उपाध्यक्ष विपक्ष से चुन के आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है वर्तमान में। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होने वाला है, ना तो एक ना तो दो। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, वैध मतों का एक तिहाई, वैध मतों का एक चौथाई, वैध मतों का एक बटे पाँच, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एक बटे छः भाग पर अगर वोटिंग नहीं मिलती है उसे, तो वो क्या कर दिया जाएगा, उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। अभी जमानत राशि होती कितनी है, तो अगर सामान्य वर्ग की बात की जाए या एस सी एस टी ओबीसी वर्ग की बात की जाए,
तो इनकी एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए होता है 12,500 रुपये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, और अगर जनरल वर्ग के सामान्य वर्ग की बात की जाए तो इनके लिए जमानत राशि होती है 25,000 रुपये। ये करंट का डाटा है, करंट में इतना ही, करंट मतलब अभी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें इतना ही आपको जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी जो उम्मीदवार हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 1949 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में, या ऑप्शन डी 1954 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में, और प्रथम चुनाव में ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलती है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए 1952 से पहले तक देखिए हमारे भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन 1947 से 1952 तक एक हमने सरकार सुनी होगी, क्या? अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार ने रह करके 1952 तक पूरे शासन संचालन को संभाला था। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? हमारे ऑप्शन है 5वीं लोकसभा का, ऑप्शन बी 7वीं लोकसभा का, ऑप्शन सी 9वीं लोकसभा का, या ऑप्शन डी 11वीं लोकसभा का। तो सबसे बड़ा कार्यकाल माना जाता है 5वीं लोकसभा का, जो आपकी लगभग 6 वर्ष से लगभग था, क्योंकि आपातकाल के दौरान इसके कार्यकाल को एक एक वर्ष करके 2 वर्ष बढ़ाया गया था। इस 5वीं लोकसभा के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बता दिया या शून्य घोषित कर दिया। जब शून्य घोषित कर दिया तो 1974 में इस लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो क्या करती हैं, मंत्रिपरिषद का सहयोग लेके फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पे राष्ट्रपति होते हैं, उनसे क्या करवाती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करवा देती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करवा देती हैं और उसी के तहत फिर एक एक वर्ष करके 2 वर्षों तक शासन इसका लोकसभा का बढ़ाया जाता है। तो 5वीं लोकसभा 6 वर्षों की हो जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 लाख रुपये, ऑप्शन बी 40 लाख रुपये, ऑप्शन सी 70 लाख रुपये, या ऑप्शन डी 95 लाख रुपये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 95 लाख रुपये। लोकसभा चुनाव के लिए, अब चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, काफ़ी चर्चा का विषय है, इसलिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये चीज़ अगर प्रश्न में आए तो आप इस चीज़ को डील कर लें। तो 95 लाख रुपये निर्धारित की गई है, और अगर इससे ज़्यादा राशि कहीं पर खर्च की जाती है तो वो चुनाव व्यय के लिए इलेक्शन कमीशन उस मतदाता को, उस उम्मीदवार को क्या घोषित कर सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है। 95 लाख रुपये बड़े लोकसभा क्षेत्र होते हैं, और छोटे क्षेत्रों हेतु 78 लाख रुपये निर्धारित है। 78 लाख रुपये छोटे क्षेत्रों के लिए, और बड़े क्षेत्रों के लिए मैक्सिमम 95 लाख रुपये चुनाव प्रसार के लिए खर्च किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कम सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5,000 रुपये, 2,500 रुपये, ऑप्शन बी 25,000 रुपये और 12,500 रुपये, ऑप्शन सी 10,000 रुपये और 5,000 रुपये, या ऑप्शन डी 15,000 रुपये और 7,500 रुपये। तो अभी मैंने इसके बारे में आपसे चर्चा की थी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 25,000 रुपये और 12,500 रुपये। पहले ये राशि कम हुआ करती थी, पहले शुरुआत में इसकी राशि बहुत कम निर्धारित थी, लगभग 5,000 रुपये निर्धारित होती थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और वर्तमान में 25,000 रुपये सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए और 12,500 रुपये एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों के लिए निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसके लोकसभा में केवल एक सीट है? ध्यान से सुनिएगा, केवल एक सीट। हमारे ऑप्शन है गोवा, मेघालय, नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, दादरा एवं नगर हवेली, पुदुचेरी,
ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश सिक्किम लक्षद्वीप, या ऑप्शन डी चंडीगढ़ सिक्किम मिजोरम। तो इसके संबंध में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कहां पर राज्यों में क्या है आपकी एक सीट है, तो मिन सी बताई थी। मिन सी मतलब मिजोरम। नागालैंड और सिक्किम ये हमने बताया था कि यहाँ पर एक एक सीट है। अब देखिए दो कथन तो हमको मिल जा रहे हैं, सिक्किम और मिजोरम। अब आप बताइए कि सिक्किम मिजोरम दो चीज़ मिल गई हैं, दो चीज़ स्पष्ट रूप से मिल गई हैं, लेकिन हमको नहीं पता है चंडीगढ़ में कितनी सीटें हैं। तो आप हालांकि आप लोगों को पता भी होगा, तो चंडीगढ़ चूँकि यहाँ पर अकेला इससे मैच करता हुआ है, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो दिल्ली के अतिरिक्त जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और इस समय जम्मू एंड कश्मीर दोनों के अतिरिक्त जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर केवल एक एक सीट ही निर्धारित की गई है। किसके लिए? लोकसभा के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचक क्षेत्र है? हमारे ऑप्शन है कांगड़ा गुजरात में है, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कच्छ है, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो आपको इसका उत्तर बताना है। उत्तर में दिल्ली का एक भाग है, दिल्ली का एक क्षेत्र है। अब आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी है, उत्तर है, दक्षिण है या पश्चिम है, कौन सा क्षेत्र है, उत्तर पूर्व है या पूर्वी भाग है या पश्चिमी भाग है या दक्षिणी दिल्ली का क्षेत्र है। आपको बताना है वो कौन सा दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र है जो सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर आपको दिया गया है एक साइड में राज्य और दूसरे साइड में लोकसभा में उनके स्थानों का आरक्षण, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब या पश्चिम बंगाल। हमारे ऑप्शन है 25, 13, 13, 42। तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के लिए 25 स्थान आरक्षित है। असम की अगर बात करें तो असम में 13 नहीं बल्कि आपकी 14 सीटें आरक्षित हैं, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। पंजाब में 13 हैं, ये भी बिल्कुल सही है, और पश्चिम बंगाल में 42, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑप्शन में समझने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर समझिए कि ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है और ये चीज़ जो ये है ये यहाँ पर प्रतिनिधित्व पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको डील करना है। तो जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल इत्यादि का प्रतिनिधित्व विभिन्न राज्यों में किस प्रकार है लोकसभा में? तो देखिए आंध्र प्रदेश में हमको पता है कि कितनी सीटें हैं, 25। तो यहाँ पर 25 सीटें कहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगी? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 सीटें आती हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आपकी 48 सीटें आती हैं। फिर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपके आएंगी 42 सीटें, छत्तीसगढ़ में आ जाएंगी 11 सीटें। अब इसी आधार पे आप मैच कर लीजिए कौन सी चीज़ें मैच कर रही हैं। तो आंध्र प्रदेश का पहला का हो जाएगा सी, तो पहले नंबर का क्या हो जाएगा? सी। फिर दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में 39 मतलब ई हो जाएगा। तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र 48 सीटें तो ए हो जाएगा। चौथे नंबर में क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में 11 सीटें मतलब बी। और पांचवें नंबर पे हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, अर्थात उनकी कितनी सीटें हैं आपकी? 42 सीटें। तो ये हमारा क्या होने वाला है? पूरा उत्तर होने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के कितने स्थान
राजस्थान के लिए निर्धारित है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन डी 24 या ऑप्शन सी 5। इसको सी बना दीजिए, इसको डी बना दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 25। 25 सीटें कहाँ के लिए निर्धारित हैं? राजस्थान के लिए। और राजस्थान के अतिरिक्त कहाँ पर 25 सीटें निर्धारित हैं? ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में समान सीटों का वितरण लोकसभा में किया गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो आपको बताना है यहाँ पर कि राजस्थान के अतिरिक्त कौन सा राज्य है जहाँ पर समान सीटें प्रदान की गई हैं राजस्थान के बराबर। तो वो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 25 सीटें हैं और आपके राजस्थान में भी। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे कि लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों के योग के बराबर है? हमारे ऑप्शन है छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ऑप्शन बी कर्नाटक तथा राजस्थान, ऑप्शन सी असम तथा तमिलनाडु या ऑप्शन डी पंजाब तथा पश्चिम बंगाल। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार में अभी वर्तमान में लोकसभा सीट हैं 40 सीटें हैं। कर्नाटक और राजस्थान की बात करें तो ये सीटें ज़्यादा होने वाली हैं, क्योंकि राजस्थान में है 25 सीटें और कर्नाटक में है लगभग 26 सीटें, तो ये ज़्यादा होने वाली हैं। असम अगर तमिलनाडु की बात करें तो असम में है 14 सीटें और तमिलनाडु में है 39 सीटें, 14 और इसमें 39 सीटें, तो अगर इनको भी जोड़ा जाए तो ये भी ज़्यादा हो जाएंगी। पंजाब और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अकेले कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो ये बात बिल्कुल सही होगी और हमारा उत्तर यही होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है 11 सीटें और मध्य प्रदेश में है 29 लोकसभा सीटें। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो बिहार के बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? सीटें प्राप्त हो जाएंगी। बिहार जब विभाजित नहीं था, बिहार में जब झारखंड था, बिहार प्लस झारखंड, तो उनके पास टोटल थी 54 सीट हुआ करती थी। झारखंड अलग हो गया तो झारखंड में 14 सीटें आ गई। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 80 सीटों पर अपनी प्रतिनिधित्व करता है, उसके बाद 48 सीटों के साथ आपका मिल जाएगा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल, फिर 39 सीटों के साथ पहले 40 सीटों के साथ बिहार और 39 सीटों के साथ तमिलनाडु अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उत्तर प्रदेश कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर मध्य प्रदेश है ना उसको हटा दीजिए, मध्य प्रदेश क्योंकि बहुत बाद का राज्य है, इसको हटा दीजिए। अभी कौन ऑप्शन बचता है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर क्या होने वाला है? महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल, जिसमें आपकी 48 प्लस 42 सीटें प्रतिनिधित्व हो रही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या आपातकालीन की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और ये कई बार बढ़ाया जा सकता है। हालांकि 3 वर्षों के बाद यह तय किया जाना होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे खबर ली जाती है कि क्या 3 वर्षों बाद यहाँ पर चुनाव किया जा सकता है कि नहीं, और अगर चुनाव वहाँ पर होने में दिक्कत होती है, अगर वहाँ चुनाव नहीं किया जा सकता है तो फिर क्या किया जाएगा, आपातकाल को फिर से बढ़ाया जा सकता है। तो एक वर्ष करके कई बार तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गढ़पूर्ति अर्थात कोरम कितनी है?
हमारे ऑप्शन है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का छठवां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग, या सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का तीसरा भाग। इसका सही जवाब हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग। दसवां भाग मतलब मान लीजिए कि अगर लोकसभा की कोई बैठक आयोजित करनी है तो इस हेतु हमें लगभग 55 सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर 55 सदस्यों से ज़्यादा मतलब 55 प्लस एक 56 सदस्य अगर उपलब्ध हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी साधारण विधेयक वहाँ से पास करवा सकते हैं, साधारण विधेयक पास हो जाएगा। और मान लीजिए कि 55 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो उस टाइम पे लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है, स्थगित कर देगा, कर ही देगा, कर सकता है। क्या होता है अगर कोरम पूर्ति नहीं होती है तो लोकसभा का अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है। और मान लीजिए कोरम में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो 60 दिन तक लगातार उपस्थित नहीं होते हैं, किसमें संसद की कार्यवाही में बिना सूचना के, तो उनकी सदस्यता भी क्या हो जाती है, समाप्त कर दी जाती है। अगला प्रश्न है लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 3। वर्तमान में हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, जिसमें सबसे पहला सत्र होता है आपका बजट सत्र, दूसरा होता है ग्रीष्मकालीन सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। अच्छा, जो ग्रीष्मकालीन सत्र होता है इसी को बोलते हैं मानसून सत्र। इसका समय होता है फरवरी से अप्रैल तक, इसका होता है जून से, और इसका होता है नवंबर दिसंबर के टाइम। सबसे छोटा सत्र होता है शीतकालीन सत्र, और सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र सबसे बड़ा होता है, और जो शीतकालीन सत्र होता है वो सबसे छोटा होता है। अब देखिए, जो सत्र की बैठक होती है, जो सत्र अवसान होता है, सत्र आहूत करने का कार्य होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो सत्र का विघटन होता है वो भी राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन अगर कहें कि लोकसभा का स्थगन या सत्र का स्थगन की बात कर ली जाए कि कब किया जाएगा, तो वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। हमारे ऑप्शन है स्थगन के द्वारा, ऑप्शन बी सत्रावसान के द्वारा, ऑप्शन सी विघटन के द्वारा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो देखिए, स्थगन कौन करता है, अध्यक्ष, स्पीकर करता है क्या स्थगन। सत्रावसान और विघटन कौन करेगा, राष्ट्रपति। दोनों स्थितियों में क्या होगा, तीनों स्थितियों में लोकसभा की बैठक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अर्थात उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही होने वाले हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा उसके इच्छानुसार, बी अध्यक्ष के द्वारा, या सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या डी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कोई भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है उसे कार्यकाल पूरे होने के पहले ही। जैसे अभी क्या हो रहा है, चुनाव जिस दिन हो जाएंगे, चुनाव के बाद क्या किया जाएगा, जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे और ये घोषणा करवा देंगे कि इस लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, और उसके बाद नई संसद चुन के आएगी, नई लोकसभा चुन के आएगी, जो कब निर्धारित होने वाली है, 4 जून के बाद। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। बड़ा ही शानदार प्रश्न आपके समक्ष लाया जा रहा है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा और अपने उत्तर को दीजिएगा। हमारे ऑप्शन है मतलब हमारे पहले विकल्प हैं, कथन दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपके विकल्प हैं, उस आधार पर आपको उत्तर देना है।
भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आवाहन कर सकता है। नंबर दो, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। या 3, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलाना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो संसद की बैठक को कहीं और भी निर्धारित कर सकती है, जहां भी वो उचित समझेगी। लेकिन ये कहां पर बैठक होती है? नॉर्मली संसद भवन में होती है, ठीक है। अगर भारत के संविधान के संविधान का जिक्र करेंगे तो 2 बैठकों का जिक्र करता है। 2 बैठक अनिवार्य रूप से होंगी, 2 बैठकों का अनिवार्य रूप से जिक्र करता है, 3 बैठकों का नहीं। कि 6 महीने तक गैप हो सकता है 2 बैठकों के बीच में। एक वर्ष में कितनी संख्या निर्धारित होगी ये भी तय नहीं होता है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित, यह तय नहीं किया जा सकता है। कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, इसलिए पहला और तीसरा हमारा क्या होने वाला है? सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अब देखिए, 104वां संविधान संशोधन जब हुआ, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019, इसके तहत आर्टिकल 331 व 333 जो आर्टिकल थे उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत किया क्या जाता था कि जो एंग्लो इंडियन हैं, लोग हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनको लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में सीटों में आरक्षित किया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में 229 प्लस 1 सीटें होती थी, 229 आपकी निर्वाचित सीटें होती थी, और एक सदस्य एंग्लो भारतीय समुदाय का होता था जो मनोनीत होता था राज्यपाल के द्वारा। वैसे ही जो केंद्र होता है वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते थे, लेकिन 104वें संविधान के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि ये प्रश्न उससे पुराना प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर परीक्षाओं में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। हालांकि इसका यहाँ पर उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को ही यह कर्तव्य था कि वो लोकसभा में 2 सदस्यों का क्या करे, मनोनीत कर सके, जो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित रहते थे। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अगले अगर प्रश्न की बात करें तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो अभी जैसा कि हमने इस पर चर्चा कर ली थी कि इसका सही जवाब क्या होगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है, अर्थात मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी गुजरात। देखिए, बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, अगर इसमें थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो बन जाएगा। अभी वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपकी पूरे भारत की 14% एसटी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और मध्य प्रदेश की पूरी जनसंख्या का लगभग 21.1% जनसंख्या का नेतृत्व कर रहा है। और यहाँ पर टोटल 29 सीटों में 6 सीटें लोकसभा के लिए एसटी समुदाय के लिए आरक्षित की गई हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। हमारे ऑप्शन है केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक तथा केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु तथा कर्नाटक, या डी उपयुक्त सभी। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा संशोधित करने का विषय है यहाँ पर, कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कौन सा इसमें उत्तर सही होगा और कौन सा नहीं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आरक्षित नहीं है। तो देखिए, बीच में संशोधन हुआ था और कर्नाटक जो है वहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया था। हालांकि केरल और जो तमिलनाडु है यहाँ पर स्थान आरक्षित नहीं है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन का अगर देखा जाए तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फंस जाएंगे हम। ये थोड़ा सा प्रश्न ही घुमा दिया गया है। यहाँ पर अगर ऑप्शन होता कर्नाटक के साथ कोई अन्य जगह हो जाती तो वो सही हो जाती।
तो देखिए कर्नाटक को क्या हो गया, कर्नाटक पे आरक्षित है और केरल तमिलनाडु पे आरक्षित नहीं है, तो आपका यहाँ पर उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एक्चुअल में सही उत्तर होने वाला है, ऑप्शन ए सही उत्तर होने वाला है, कन्फ्यूज नहीं होना है। मैं खुद कन्फ्यूज हो गया था इस प्रश्न को करवाते करवाते, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, है ना, हो जाता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि उपयुक्त में से किसी के भी जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में केवल कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं आपकी, 4 सीटें हैं, केरल में आपकी कितनी सीटें हैं, 9 सीटें हैं। तो इन सीटों में क्या हो रहा है, लोकसभा में ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो जब ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो एससी एसटी को कितना प्रतिनिधित्व प्रदान कर दे, तो ये नहीं प्रदान किया जा रहा है इन राज्यों में। अगला प्रश्न है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित की गई हैं वर्तमान में, अगर बात की जाए वर्तमान में 19 सीटें आरक्षित हैं, 19 सीट आरक्षित है किसके संबंध में, आपके संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में आरक्षित की गई हैं, कितनी सीटें, 19 सीटें। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी अनुच्छेद 332 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 333, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 330, जिसके तहत एससी एसटी वर्ग को लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 80 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था एससी एसटी आरक्षण को बढ़ाने के लिए, तो इसको अगर ध्यान दीजिएगा तो 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1958 का हुआ था, जिसके तहत 59 का हुआ था, जिसके तहत आपके जो एससी एसटी वर्ग के आरक्षण का प्रावधान था उसको 10 वर्षों के लिए 1970 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी, हमारे ऑप्शन है 31वें संविधान संशोधन ने, ऑप्शन बी 35वें संविधान संशोधन ने, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन ने, ऑप्शन डी 45वें संविधान संशोधन ने। तो इसका सही जवाब होगा 31वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से। अब देखिए जो 35वां संविधान संशोधन था ये सिक्किम को राज्य का दर्जा देता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको पता ही है, और 45वां संविधान संशोधन भी उसी के समकक्ष है, लेकिन जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 31वां संविधान संशोधन के द्वारा 525 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी, 545 कर दी गई थी। हालांकि हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि 550 से ज़्यादा जनसंख्या नहीं हो सकती है, लेकिन अगली परिसीमन के बाद जनसंख्या के आधार पर इसकी सीटें बढ़ाई घटाई जा सकती हैं। अगला है लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या क्या है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 541, ऑप्शन बी 543, ऑप्शन सी 444 या ऑप्शन डी 545। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 545। 545 सदस्य निर्धारित हैं किसके लिए, वर्तमान में आपके लोकसभा के लिए, लेकिन अभी जो अगली लोकसभा होगी, कौन सी अगली लोकसभा होगी, उसके लिए आपकी कितनी होने वाली है, 543, हालांकि उसके बाद बढ़ा भी दी जाएगी, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन जो समुदाय के सदस्य हैं उनको क्या कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, तो हमारी जो टोटल संख्या है वर्तमान में 543 ही देखने को मिलती है। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से, अच्छा इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर इसको 543 ही माना जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग थे उनको बाहर कर दिया गया है, और वर्तमान में अगर काउंटिंग की जाए तो 543 सदस्य ही हमारे लोकसभा में शामिल हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, हमारे ऑप्शन है 6वां और 22वां, 12वां एवं 38वां, 7वां एवं 31वां या 11वां तथा 42वां।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां एवं 31वां। देखिए अभी कुछ देर पहले ही हम 31वें संविधान संशोधन की बात की है कि उसके तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। उसी प्रकार 7वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके इनके लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 525 कर दिया गया था। तो 7वां और एक और संशोधन होता है 14वां, 7, 14 और 31, ये ध्यान रखिएगा। 7, 14, 31वां संविधान संशोधन लोकसभा में सीटों को बदलने से संबंधित था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। हमारे ऑप्शन है 1951 की जनगणना, 1961 की जनगणना पर, ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर, या ऑप्शन डी 1981 की जनगणना पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। देखिए इसमें कई बार हमारी चर्चा हो चुकी है और ऐसा निर्धारित किया गया था 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कि 2026 के उपरांत जो अगली जनगणना होगी उस पे हम परिसीमन करेंगे और सीटों को पुनर्वितरित करेंगे और जनसंख्या का आधार तब रखा जाएगा, जनसंख्या आधार 2001 को रखा जाएगा। हालांकि इसके पहले जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें जनसंख्या का आधार को 1991 बनाना था, लेकिन 87वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 2001 बना दिया गया। अगला है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। अब इसके ऑप्शन है भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, या भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है, या डी भारत किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो देखिए लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है, राज्यसभा के चुनाव की बात नहीं हो रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी मतदाता क्षेत्र से संबंध रखता है और वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निवासी, कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ेगा ही नहीं और बस निवासी लिख रहा कि भारत के निवासी हैं तो वो मतदाता बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के निवासी वो भी होंगे जो भारत के नागरिक नहीं हैं। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आके रह रहा है वो भी क्या होगा, आपका भारत का निवासी होगा। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी। हमारा आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे ऑप्शन है निर्वाचन वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है, ऑप्शन बी निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करवाता है, ऑप्शन सी निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, या ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन करने के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, कि निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाताओं की सूची के लिए राष्ट्रपति के निर्देशन नियंत्रण में तैयार किया जाता है। बल्कि ये किसके निर्देशन नियंत्रण में तैयार किया जाता है, केंद्रीय सूचना आयोग के नियंत्रण में तैयार किया जाता है। दोस्तों ये हमारी आज जो पूरी चर्चा हुई वो लोकसभा और राज्यसभा को लेके कंप्लीट होती है। हमने इसके संबंध में कई सारे पहलुओं पर चर्चा कंप्लीट कर ली है। आगे जो हमारी चर्चा होगी वो संसद के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की विधायी प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो किस प्रकार से लागू होगा, किस प्रकार से उसमें प्रक्रिया अपनाई जाएंगी, प्रथम वाचन क्या होता है, द्वितीय वाचन क्या होता है, तदर्थ समितियाँ क्या होती हैं, और साथ ही राष्ट्रपति का इसके संबंध में क्या कर्तव्य होता है, और विभिन्न प्रकार के जो अभी तक में संसदीय समितियाँ बनी हैं, संसदीय समितियाँ किस प्रकार से बनी, उनका क्या कर्तव्य होता है, कितने सदस्य होते हैं, इन समस्त बिंदुओं पर अपनी चर्चा करेंगे। तो इसके साथ अभी आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे अगली क्लास में ज़रूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।